मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में निर्दोष लोगों को झूठे अभियोग में फंसाने के उद्देश्य में दुष्कर्म की झूठी सूचना देकर मुरादाबाद दर्ज कराने वाले दो अभियुक्तों को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दरअसल आपको बताते चले, अभियुक्त राजेश कुमार त्यागी व लवी द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि सोनू त्यागी से मकान बेचने को लेकर हमारा सौदा हुआ था, परंतु सोनू त्यागी ने दूसरे को मकान बेच दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए सोनू त्यागी व उनके लड़कों को जेल भिजवाने के लिए राजेश कुमार त्यागी ने लवी व वार्ड 69 के पार्षद सदाम से संपर्क करके आगरा से कुमारी स्नेहा को नौकरी का झांसा देकर मुरादाबाद बुलवाया और रुपए तथा जान से मारने की धमकी देकर कुमारी नेहा से दुष्कर्म का झूठा मुकदमा सोनू त्यागी व उसके लड़कों पर लगवाने के लिए झूठी सूचना थाने पर दी थी। देखिए, कानून लोगों की मदद करने के लिए है, गरीबों की मदद कानून करता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही एक सूचना कल रात्रि में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में प्राप्त हुई कि कोई एक लड़की है जिसका ये कहना है कि वो यहाँ आई थी एक मकान किराए के मकान की तलाश में। जब वो किसी महिला के यहाँ गई वो, तो वहाँ पहले से मौजूद दो व्यक्तियों ने उसके संग बलात्कार की घटना की। तत्काल हमारी पुलिस इस सूचना पर सक्रिय हुई। कई चीज़ें संदिग्ध थी, सीसीटीवी फुटेज देखी गई जिसमें पाया गया कि वो जो दो व्यक्ति थे वो उसके साथ में ही घर में प्रवेश उन्होंने किया और थोड़ी देर में ही वो लोग वापस आ गए, लड़की भी निकल के वापस आ गई और उसके बाद उसने इस प्रकार की सूचना दी। जब हमारी महिला पुलिस और हमारी अन्य लोगों ने गहराई से उस लड़की से पूछताछ की, तो थोड़ी देर तक आनाकानी करने के बाद उसने सच्चाई बताई। उसका ये कहना है कि एक महिला जिसका नाम सोनू त्यागी है, उसका वो पहले किसी एक मुकदमे में वो जेल गई थी, 302 का केस था, जिसमें कि राजेश त्यागी नाम के व्यक्ति इन्होंने उसकी मदद की थी बेल इत्यादि लेने में। इनके बीच में कुछ मौखिक समझौता था कि ये उसको कुछ पैसा देंगे, इसके एवज में उसका मकान बेचने की बात भी हुई, लेकिन वो मेटरलाइज नहीं हुआ। इनके मध्य जब विवाद पनप गया तो जो दो व्यक्ति हैं राजेश और लवी, इन्होंने ये प्लान किया कि हम इस महिला को एक झूठे मुकदमे में फंसवा दें। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।